गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पोनी टेल को किस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं ये सिखाऊंगी। मेरे पास काफ़ी सारे करीब 3-4 पुराने पोनी टेल हैं जो करीब 20 साल पुराने हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में उन्हें दिखाया भी था। अगर उनसे हमें और दूसरे नए पौधे तैयार करने हों तो हम किस तरह से करेंगे ये मैं आज आपको बताऊँगी। देखिए, ये हमारे पास एक पोनी टेल है पुराना। देखिए ये है, ये पोनी टेल है हमारा पुराना, ये करीब 20 इयर्स होगा ओल्ड। ये बहुत ऊंचा हो गया था, ये बहुत ऊंचा हो गया था तो हमने इसको बीच में से कट कर दिया क्योंकि लंबाई ज़्यादा हो गई थी। तो फिर ये था ख़तरा कि आंधी वगैरह में ये टूट सकता था, हमने इसको कट कर दिया था यहाँ से। अब इसमें बीच में देखिए कितनी सारी इसकी शाखाएं निकल आई हैं, क्योंकि अगर इसे आप बीच में से काटोगे नहीं तो इसका सिर्फ एक मेन स्टेम और उसमें से एक ही शाखा निकलती है। लेकिन अब इसमें देखिए कितनी निकल रहे हैं, कितने गुच्छे गुच्छे इसमें हो रहे हैं। तो इसको अगर आपको प्रोपेगेट करना हो तो आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बीज वगैरह मैंने अभी तक नहीं देखा है। इसमें क्या होता है, इसके यहाँ इसके नीचे स्टेम में ये इस तरह के पौधे निकल आते हैं। ये जो इसका गोला होता है ये इसमें से ये निकल आते हैं। देखिए अगर आप इनको काटेंगे नहीं तो ये भी आगे बड़े हो जाएंगे और ये पौधा कुछ शेपलेस हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको इनको और पौधे बनाने हैं तो आप कैसे करेंगे, जैसे ये है, एक ये है, ये है, एक ये है, तो आप कैसे इसको निकालेंगे और नया पौधा बनाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उससे आप इसको इसको काटिए, इस तरह से काटिए कि इसका थोड़ा सा स्टेम का पोर्शन भी इसमें आ जाए। मतलब आप यहाँ से नहीं काटेंगे इसको, बल्कि यहाँ से काटेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। ये ले लेते हैं, या ये ऊपर वाला ले लेते हैं, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये है, ये ठीक है। तो इसको हम काटते हैं और किस तरह से लगाएंगे इसको, हम बिल्कुल यहाँ से लेंगे, ऊपर यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, तब इसमें से जाकर रूटिंग शुरू हो जाएगी अगर आप इसको गमले में लगा देते हैं। चलिए इसको हम काटते हैं थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से। ये हमने इसको काट दिया चाकू से, ये इसको अब हम यहाँ ऐसे है, ये मिट्टी हमने अभी इसमें भर के रखी हुई थी और इसमें हम इसको लगा देते हैं। देखिए ये करके इसको ही हम वाटरिंग कर देंगे, इसमें पानी दे देंगे। तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे तो इसके जो ये पत्ते हैं ये सीधे खड़े होने लगेंगे ऐसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कुछ महीने पहले लगाया था। देखिए ये ऐसे ही मैंने उसकी कटिंग निकाली थी पोनी टेल की और ये मैंने गमले में लगाया था। अब आप देख सकते हो कि ये चल पड़ा है, देखिए इसके पत्ते खड़े होने लगे हैं। तो ये इस तरह से हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, हम इन पौधों को एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ठीक है, ये नया पौधा है, इसमें हम पानी डाल देंगे और ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। थैंक यू।